नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बृजेश सिंह देवबंद के बारे में। बृजेश सिंह रावत का जन्म जड़ौदा जट देवबंद में 22 फरवरी 1972 को सहारनपुर जिले में हुआ। उनके पिता का नाम राजकुमार रावत है। उनकी शादी पूजा रावत के साथ हुआ। इन दोनों के एक पुत्र एक पुत्री है। बृजेश सिंह रावत को भाजपा के फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाना जाता है। बृजेश सिंह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सक्रिय सदस्य रह चुके हैं। बृजेश ने 1994 में RSS अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र विंग के एक नेता के रूप में अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत किया। बाद में वह भाजपा की युवा शाखा भाजयुमो के एक कार्यकर्ता बन गए और धीरे धीरे भाजयुमो में पदानुक्रम में बढ़ गए। जिला सचिव, जिला उपाध्यक्ष और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राज्य के उपाध्यक्ष सहित विभिन्न पद पर कार्य कर चुके हैं। वर्ष 2016 में बृजेश सिंह रावत को भाजपा में एक राजनीतिक पद देते हुए पश्चिम यूपी के सचिव के रूप में नियुक्त किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश के राज्य कार्य समिति के सदस्य हैं। बृजेश सिंह को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2017 में देवबंद की विवादास्पद सीट से टिकट दिया गया था, जहाँ पार्टी 2002 के बाद से नहीं जीती थी। बृजेश सिंह ने 16 मार्च 2017 को निर्वाचन क्षेत्र का नाम देवबंद से बदलकर देवबृद्ध करने का प्रस्ताव रखा। बृजेश ने अपनी विधानसभा सीट का नाम बदलने के पीछे महाभारत का हवाला दिया। उनका कहना था कि इलाका दारुल उलूम से पहले महाभारत से जुड़ा रहा है। उनके मुताबिक पांडवों ने यहीं पर पूजा की थी। बृजेश की माने तो देवबंद ही वह जगह है जहां यक्ष ने युधिष्ठिर से सवाल पूछे थे। आपको बताते चलें, सहारनपुर जिले में आने वाली देवबंद विधानसभा सीट सबसे चर्चित सीटों में से एक है। यहां की आबादी का 65% मुस्लिम है। बृजेश सिंह ने ध्रुवीकरण के कयासों को धता बताते हुए बसपा के माजिद अली को 29,415 वोटों से हराकर विधानसभा में दस्तक दी। हाल ही में हुए विधानसभा 2022 के चुनाव में भाजपा ने बृजेश रावत को मैदान में उतारा था, जहां उनसे सपा के कार्तिकेय राणा से कड़ी टक्कर थी। आपको बताते चले, बृजेश सिंह रावत ने 20,000 से कार्तिकेय राणा को हराकर विधायक बनने में कामयाब हुए। स्थान पर बसपा के राजेंद्र सिंह रहे। योगी सरकार बनने के बाद बृजेश सिंह को मंत्री बनाए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।